नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरेरी माइंड में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सिमिली के बारे में। पिछली वीडियो में ये पार्ट टू है, पार्ट वन में हम डिस्कस कर चुके हैं मेटाफर के बारे में। अगर आपको मेटाफर के बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाओ मेरे चैनल के और वहां से जाके आप उसे जान सकते हो मेटाफर के बारे में। इस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मैं बताऊंगा मेटाफर और सिमिली में क्या डिफरेंस है। दोनों वैसे एक जैसे ही लगते हैं देखने में भी और पहचानना ईजी होता है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस होता है इनके बीच में। तो वो देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो लेट्स टॉक अबाउट मेटाफर के बाद सिमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, आ जाओ। अभी वैसे 23 टॉपिक्स रह गए हैं। मैंने बताया है कि एक एक टॉपिक जो है 3-4 मिनट की वीडियो बना बना के मैं सारी जो है ये फिगर ऑफ स्पीच जो है डाल दूंगा। एटलीस्ट सारा जो है आपका कवर हो जाएगा पढ़ने लायक, ठीक है। तो सिमिली की डेफिनेशन क्या होती है? Simile is a figure of speech that makes a comparison showing similarities between two different things. मैंने अभी वही बताया था, वही सेम बताया था। वहाँ पे भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेटाफर में भी क्या होता है। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स एन इम्प्लिसिट, इम्प्लाइड और हिडन कंपैरिजन। यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है वो हिडन होता है, वो आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था दैट टाइग्रेस, मेटाफर का दिखा रहा हूँ मैं एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए। दैट टाइग्रेस, अगर कोई बहादुर से लड़की जो है किसी लड़की ने बहादुरी से लड़ा किसी से, किसी दुश्मन से, तो मैंने अगर उसको बोल दिया दैट टाइग्रेस, तो एक बंदा सोचेगा दैट टाइग्रेस क्यों मैंने बोला, कि शायद हो सकता है उस लड़की ने बाघ के जैसा बहादुरी से लड़ी होगी, तो इसलिए मैंने दैट टाइग्रेस बोला। मतलब कंपेयर तो किया मैंने, लेकिन एक हिडन तरीके से। सिमिले में क्या होता है? सिमिले में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें डायरेक्टली लाइक एज इन वर्ड्स का जो है इस्तेमाल होगा। तो डेफिनेटली आप देख के पहचान जाओगे कि कंपैरिजन तो हो रहा है, और कंपैरिजन होने के साथ साथ लाइक और एज जैसे जो ये वर्ड है इनको देख के पहचान जाओगे कि यार ये तो सिमिली है। अगर मैं बोलता हूँ एज स्वीट एज मून, सॉरी एज स्वीट एज सुगर, एज स्वीट एज सुगर, चीनी जितना मीठा, चीनी जैसा मीठा, जैसा मतलब लाइक, तो इन वर्ड्स को देखते ही आप पहचान जाओगे दैट इज सिमिली। या फिर मैं ऐसे बोलता हूँ हिंदी में, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा, दैट इज द वर्ड एज, एज ब्यूटिफुल एज मून, तो चांद सा रोशन चेहरा, या फिर एज लाइटफुल फेस एज मून, तो एज का इस्तेमाल किया, या फिर लाइक का, एज स्वीट एज सुगर, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, आपको ट्विंकल ट्विंकल याद होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लाइक अ डिम्पल, लाइक अ डिम्पल इन द स्काई, लाइक का इस्तेमाल, दैट इज द सिमिली। आप इनडायरेक्टली इन चीज़ों को पता है आपको, लेकिन आप जब पोएट्री करते हो तो आपको सिंपल सी बात है, उस टाइम पे अगर आपको नॉलेज नहीं है सिमिली के बारे में तो आप कैसे पहचान पाओगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा सिमिली के बारे में। मैंने दो एग्जांपल दिए आपको सिमिली के, एज स्वीट एज सुगर बोल लो, या फिर लाइक अ डिम्पल इन द स्काई, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप क्या करना, आप अपने बुक में जो पोएट्री सेक्शन है उसमें कोशिश करना ढूंढने की। लव पोएम्स में ज़्यादातर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि लव पोएम्स में जो है जॉन डन जैसे या फिर स्पेंसर जैसे जो है मैक्सिमम वो क्या करते थे, इनका इस्तेमाल करते हैं सिमिली का कंपेयर करने के लिए अपनी बिलव्ड को। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो और सिमिली जो है, ये सिमिली की डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइपरबोल के लिए। बी रेडी फॉर दैट, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ये 23 टॉपिक्स अभी जो हैं डिस्कस करने रह रहे हैं, मेटोनोमी, साइनेकडोकी, एलिट्रेशन, यूफेमिज्म, सिंबल, एम्बिगिटी, ऑनोमेटोपिया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिस नहीं करनी है आपको, क्योंकि अगर ये मिस करते हो तो डेफिनेटली दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। अगर आप करियर बनाना चाहते हो सीरियसली इंग्लिश ऑनर्स में, तो करना है क्या आपको, बस चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर करना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही करना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक भी करना वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसको शेयर करके लाइक करवाना वीडियो को, ताकि एक मोटिवेशन मिले। क्योंकि मैं अपने टाइम पे जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे इस टाइप की हेल्प तो मिली नहीं। मैं पोइट्रीज तो ऐसे ही पढ़ डालता था और मुझे पता भी नहीं चलता था कि यार ये सिमिली है, इसमें ये मेटाफर है। तो दो बाद में मैंने इन सबको अपने आप किया। आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, आई होप कि आप लोग स्ट्रगल ना करो, आपको कुछ ऐसा मिले मेरे चैनल के थ्रू से जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इसी एज अ सपोर्ट टू मी, आप अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसको शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बस इतना ही। जय।